नमस्कार। कल बहुत सारे रिजल्ट आ गए हैं और हम बारी बारी सबका एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो है हिमाचल के रिजल्ट के लिए। और जैसे मैं हमेशा वो कहता हूँ कि मैंने आपके लिए इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम एक फ्रूटफुल डिस्कशन कर सके। सबसे पहली बात, हिमाचल इसलिए फेमस है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब सरकारी सीट लेनी होती है तो पूरे हिंदुस्तान में ही सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाती है इन टर्म्स ऑफ जिन बच्चों को सरकारी लेनी है। तो अगर हम राउंड वन का सर कट ऑफ देखें, और अभी भी हम देखेंगे कई इसमें सीटें ऐसी होंगी जो हिमाचल के बच्चे ऑल इंडिया कोटा चले जाएंगे, जैसे ये टॉपर जो है। तो हिमाचल की लिस्ट, सिर्फ हिमाचल की ना लिस्ट बड़ी अजीब सी होती है कि इसमें ना नीट स्कोर वगैरह नहीं देते हैं। तो फिर भी हिमाचल का आपको समझाने लगे, बाकी हर स्टेट में देते हैं। तो मैं आपको ना हिमाचल का ये तीन फाइलें दिखाऊंगा साइड बाय साइड, कि ये होती है कि हिमाचल में जो लोगों ने फॉर्म भरा था ना, तो हिमाचल की मेरिट लिस्ट साथ में रखना जरूरत है। अदिति है, इसके 695 नंबर हैं और यहाँ पर अदिति को मिला हुआ है ऑफकोर्स इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला पर 695 नंबर। अब अगर मैं देखूँ, आई होप कि अदिति ने भरा होगा और जुलम नहीं करा होगा कि छोड़ ही दिया होगा, सॉरी सॉरी। तो अदिति की ऑल इंडिया रैंक थी 503, और 503 में अगर अदिति ने ऑल इंडिया रैंक भरा होगा, एक तो ना एक दिन मुझे बच्चे मुझे लगता है बहुत डांट देंगे, खासकर बच्चों के पेरेंट्स, ही कैसे सर आप हमारे बच्चों का नाम वीडियोस में बोलते रहते हो। तो देखो 503 में अदिति को एम्स ऋषिकेश मिला हुआ है। सो क्वेश्चन इज बिटवीन एम्स ऋषिकेश एंड IGMC शिमला। ठीक है जी, फिर अगले पे चलते हैं। इसके बाद एक अभिषेक है, अभिषेक का पहले देखते हैं हिसाब किताब क्या है। अभिषेक के अभी 675 नंबर है, 2321 रैंक है। तो देखते हैं कि 2321 रैंक पे अभिषेक ने ऑल इंडिया कोटा भरा था या नहीं भरा था, और भरा था तो क्या मिला इसको, है ना, 2321 रैंक। और फिर से जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि व्हाट हाउ वी डू द एनालिसिस फॉर आवर प्रीमियम कस्टमर, कि आप हम ये पता कर पाते हैं कि कितने चांसेस हैं गिरने के। और मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप खुद भी कर लो, जिसके पास समय हो या जो कर पाए, और जिसके पास दोनों नहीं होते उनके लिए हम बैठे होते हैं। शायद यही था ना, 2331, भूल जाता हूँ मैं, सॉरी 2271 इसकी रैंक थी। तो 2271 रैंक पे पहले देखते हैं कि भरा था कि नहीं भरा था। भाई ने वैसे भरा तो होगा, हाँ जी। तो इनको मिला हुआ है एम्स बिलासपुर, जो उनकी हिमाचल का ही एम्स है। तो फिर इन्होंने शायद अपने हिमाचल का एम्स ले लेंगे या IGMC शिमला लेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इससे ना आपको पता चल जाता है कि ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीटें हटेंगी या इसमें कितनी सीटें हटेंगी। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो आपको बताया जाता हूँ, जो इसकी लास्ट सीट है, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी में अभिनव शर्मा को जो मिली है। और अभिनव शर्मा को अगर हम यहाँ ढूंढें तो अभिनव शर्मा के कुछ तो 540 नंबर थे। अभिनव शर्मा एक और था शायद, मैंने देखा था स्टेट मेरिट 610, 610 थी ना स्टेट मेरिट। अभिनव शर्मा दो हैं। तो देखिए ये फायदा होता है जब आप हिमाचल से पढ़ते हो, जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता ही हूँ कि अभिनव शर्मा स्टेट कोटा एडमिशंस, राइट, नोट करते जाइए। आई एम रियली सॉरी, मुझे पहले वो हटाना पड़ेगा। ये अभिनव शर्मा ने को लास्ट सीट मिली है इन लोगों को जनरल कैटेगरी से, जो प्राइवेट कॉलेज में भी गए हैं, जो कि महंगा है। पहले वो अपने अपना वो तो हटा दें, हमें वो नहीं लेना ना कि जो मौलाना में गया। हम बात करते हैं कर्शन शर्मा की। हाँ, मुझे नाम सा तो ध्यान था कि ये कर्शन शर्मा था। और देखते हैं कर्शन शर्मा को कितने नंबर पे सीट मिली। ठीक, क्या ऑल इंडिया रैंक है, 541 रैंक, और ऑल इंडिया रैंक 71,000। तो 71,000 ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक का मान के चलिए। तो जबकि दिल्ली में, हरियाणा में तो आपको पता ही है कि 620 630 नंबर का भी स्ट्रगल कर रहा है। पंजाब में भी ये बुरा हाल है, दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा जब पंजाब की लिस्ट आएगी। लेकिन चलो आपको एक मोटे मोटी झलक तो मैं दिखा ही सकता हूँ। ये है पंजाब का जो अलॉटमेंट है, और आप देखेंगे कि बाकी जितने भी कॉलेज हैं सबका बहुत ऊपर है। और अगर अगर हम एप्पल टू एप्पल ही कंपेरिजन करें तो गवर्नमेंट कोटा
और जर्नल राइट इसमें लेते हैं, और कॉलेजों के नाम में टेक्निकली स्पीकिंग हमें वही पकड़ने चाहिए ना जो प्योर सरकारी है, राइट। हम प्योर सरकारी पकड़ते हैं, गवर्नमेंट कोटा ओपन पकड़ते हैं, तो पंजाब भी ख़त्म हो रहा है इस समय ऑल इंडिया रैंक 44,000 पे। आपको पता है हरियाणा तो उसके भी ऊपर था, दिल्ली का तो पूछो मत, राजस्थान भी इसके ऊपर आएगा जब भी रिजल्ट आएगा। और इसके मुकाबले हमारा जो हिमाचल है वो हमको मिल जाता है 540 मार्क्स पे, जो करसन भाई को मिल गया है। तो यही मैं जो मेरा पुराना वीडियो है कि हिमाचल इज़ द ड्रीम, अगर आपको सरकारी सीट चाहिए तो रिलेटिवली बहुत कम कंपटीशन है, और ये देखिए 60 से 70 नंबर नीट में बहुत होते हैं। तो ये पहला जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इन्हीं की बात करते हैं। अब मैं खोल देता हूँ, तो ये बुलाना, तो ये तो सरकारी हो गया। अब इसके अलावा एक ही प्राइवेट कॉलेज है तो उसको भी ले लेते हैं, और डिग्री को वापस से सिर्फ MBBS रख लेंगे कि भाई जिसको सिर्फ MBBS करनी है। तो भाई साहब अभिनव जो आया था ना कि लास्ट सीटें फिलहाल ख़त्म हुई हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कितनी सीटें अलोकेट हुई हैं। तो ये तो ऊपर ही था क्योंकि तो फीस देखिए कम पड़ जाती है, तो पूरा पैकेज 60-65 के आसपास पड़ जाता है। तो कई हिमाचल के लोग सोचते हैं कि जब प्राइवेट में पढ़ना है तो भाई अपना हिमाचल में पढ़े, बाहर जाए क्या फ़ायदा, इससे कम सस्ता तो कर्नाटका भी नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अब हम आ जाते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, फिर एक ही कॉलेज आ गया ना कि महर्षि मार्कंडेश्वर में, जिसमें कि टोटल हम जानते ही हैं और सारी सीटें एलोकेट की गई है फिलहाल, जो कि उनकी जनरल कैटेगरी है। और मैं नोट कर रहा था कि हम भर सकते हैं, लेकिन फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि इसमें कोई कट ऑफ ठीक है जी। तो अब ये देखिए बहुत ऊपर ख़त्म हो गया है, जिसको लेके लोग काफ़ी परेशान हैं, जो वापस फोन आ रहे हैं कि सर जनरल कट ऑफ तो बहुत ही ऊपर ख़त्म हो गई है, तो कैसे काम चलेगा भाई, हमको कैसे सीट मिलेगी मूल सोलन में। और जो सोलन की कट ऑफ में मैं कहता हूँ ना, अब दूसरी चीज़ आपने ये सीखनी है कि राउंड वन जब फ्री एग्जिट होता है, जो हमेशा अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ, फ्री एग्जिट हो और सिर्फ 2,000 रुपये मांगे जाए, मतलब कि उत्तराखंड भी फ्री एग्जिट है और उन्होंने 1 लाख रुपये तो मांगे, राजस्थान भी फ्री एग्जिट है पर उसने भी आपसे इस बार पैसे भरवाए, बिहार ने भरवाए, यूपी फ्री एग्जिट नहीं है, पर उत्तराखंड ने फिर भी 1 लाख रुपए भरवाए, हरियाणा और हिमाचल नहीं भरवाता। इसकी वजह से सोचिए कितनी ऊपर फिलहाल ख़त्म हो गया और कितने बच्चों ने स्टार्ट किया है। तो मैं मान नहीं सकता कि भाई 1 करोड़ का पैकेज तनुज जोशी जी देने वाले हैं, जिनको दे भी सकते हैं भाई, कल को मेरे ऊपर ब्लेम मत करना कि आप कौन हो, तनुज जोशी जिनके नीट में 584 नंबर है, आई वुड बी रियली सरप्राइज कि ये कस्तूरबा वगैरह सब छोड़ के सोलन में पढ़ेंगे। तो ये वो स्टूडेंट है जिसने ज़बरदस्ती भर दिया क्योंकि तो सिर्फ 2,000 रुपये की बात थी। ऐसी अगला जो है जी गुरदीप, अब गुरदीप की भी हम बात करें, गुरदीप भी ऊपर ऊपर था, ये रहा जी 552 नंबर, फिर से बहुत शानदार, बहुत अच्छे कम बजट के अमृता वगैरह सब मिल सकता है। तो भाई 1 करोड़ रुपया मैं सोलन के लिए क्यों दूंगा? तो जी जो ऊपर के कई बच्चे हैं ना, ये सोलन लेंगे नहीं, सब फर्स्ट राउंड में एलोकेशन करा के सीट खराब करते हैं, बल्कि जो जो लास्ट में नज़र मारते हैं ना, जो ये वंशिका कन्वर है, वंशिका कन्वर देखते हैं जी, वंशिका कन्वर के कितने नंबर है? तो वंशिका कन्वर के 381 हैं। देखिए मैं सोलन को खराब कॉलेज नहीं कह रहा, पर 381 में क्या इसने उत्तराखंड का श्री गुरु राम राय भरा था, ये SGT गुड़गामा, ये यूपी की और कॉलेज सबसे नीचे है। इमेजिन कीजिए कि इस समय सोलन की फर्स्ट राउंड कट ऑफ 381 पे ख़त्म हो रही है, सारे बच्चे 57 बच्चे जो हैं ये इसके ऊपर हैं, 57 बच्चे, और फिलहाल NRA कोटा में तो एक भी एडमिशन सोलन में नहीं हुआ है। हाँ तो रह जी, देखते हैं जरा सोलन में कोई किसी ने NRA सीट भी ली है क्या। तो NRI में टोटल 23 सीटें हैं और 6 लोगों ने भरा है, जो कि NRI की फीस देने वाले हैं महर्षि मार्कंडेश्वर सोलन को, और वो भी पक्का नहीं है। अगेन आई सेड राउंड वन इज फ्री एग्जिट, पर इन्होंने NRI के थ्रू ही हिमाचल का फॉर्म भरा है। देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, सोलन में टोटल 23 NRI सीटें हैं जो राउंड 3 में कन्वर्ट होती हैं,
सो ब्रॉडली मैं आपको ये कहना चाह रहा था, जो मैंने आपको नॉर्मल कर एलोकेशन का दिखाया कि बहुत कट ऑफ गिरती है अराउंड 2 में, तो हिमाचल में बस इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि जनरल वालों के लिए स्वर्ग है, सिमिलरली हर कैटेगरी वालों के लिए स्वर्ग है सरकारी सीट लेना, और प्राइवेट में किस तरीके से फ्री एग्जिट, और जब सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड 1 में नहीं लिया जाता तो किस तरह से माहौल मजाक होता है कट ऑफ का। हमसे संपर्क करना चाहें ताकि हम आपके बारे में ऐसे एनालिसिस करें, आपको सही जानकारी दें। और मैं हमेशा कह रहा हूँ, आज भी, अब जाके राउंड 1 के सारे रिजल्ट आ गए हैं, अभी भी शायद राजस्थान का आना है और तेलंगाना या आंध्रा में मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन्स होने हैं, लेकिन यूपी का आना है शाम को, लेकिन अभी भी काउंसलिंग शुरू ही हुई है। तो कई लोग ना ये सोचते हैं कि बस जी हमने जो काउंसलिंग, मेरे पास कई क्लाइंट्स अब आ रहे हैं जिन्होंने पहले किसी और काउंसलर को शायद फीस भर दी थी और अब उनको लग रहा है कि भाई हमने गलती कर दी, तो दे आर डिस्कसिंग विद मी। और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं एनालिसिस करता हूँ या मैं अपने प्रीमियम कस्टमर्स के साथ बात करता हूँ तो हम आपके लिए इस तरह का एनालिसिस करते हैं। और अगर आपने मेरे कई बार वीडियो सुनोगे जब मैं कहता हूँ कि हम आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट बचवाते हैं, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट बचवाते हैं, वो इस वजह से, क्योंकि इतना एनालिसिस करके ही मैं आपकी राउंड 2 में डिपॉजिट्स भरवाऊंगा। अगर मुझे पता है कि आपको राउंड 3 में आपके लिए ये सेफ सीट्स हैं, तो आपको क्या जरूरत है राउंड 2 में 5 जगह फॉर्म भर के 5 जगह लाख 2 लाख दे के सीट तो एक ही लोगे ना, तो वो जो आपके 5 लाख बचते हैं ना, उसी के हम 50,000 रुपये सर्विस चार्ज लेते हैं, जस्ट टू टेल यू, सिर्फ फॉर्म भरने के या आपको ब्रॉडकास्ट पे अपडेट देने के नहीं। वो यही असली मकसद ये होता है कि इस एनालिसिस को देख के, ताकि आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट खराब ना हो, आपको बेस्ट सीट मिले, ऑप्टिमल सीट मिले, राइट। और रिपीट कर रहा हूँ मैं, अभी काउंसलिंग शुरू ही हुई है, और दूसरी बात, अभी मतलब कि राउंड 1 हुआ है, राउंड 4 होते हैं, चलो चौथे को छोड़ दो, तो राउंड 2 सबसे बड़ा मेन राउंड होता है जब सीरियस एडमिशंस होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट जब तो नहीं शुरू हो जाते हैं। और इसलिए आप अभी भी नोट करोगे तो अपने हर क्लाइंट्स को कह रहा हूँ, वेट करो, 9-8 को आएगी, आ जाएगा एमसीसी का सीट मैट्रिक्स राउंड 2 का। ना सीट मैट्रिक्स क्या होता है, उससे आपको ये पता चलता है ना कितने लोगों ने रिपोर्ट नहीं करा, और वही सीट मैट्रिक्स हर स्टेट देगा। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लिख के ले लो, सोलन की 57 सीट एलोकेटेड थी ना, आप ये देखना कि इसमें से जो रिपोर्टिंग होगी वो मेरे ख्याल से 7 की भी नहीं होगी राउंड 1 में। इस तरह की जानकारी के लिए, इस तरह के एनालिसिस के लिए, इस तरह की कंसल्टेशन के लिए आप चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9643362320 ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, फर्स्ट टॉक के भी फीस लगती है 2500 रुपये, फेस टू फेस मीटिंग के 5,000, और देन वी डिसाइड द पैकेज। सिर्फ सरकारी के लिए पैकेज 25,000 से स्टार्ट हो जाता है, 50,000 इज फॉर प्राइवेट, 1 लाख प्लस GST इज एक्चुअली फॉर NRI केसेज एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड केसेज, जहाँ पर हमें आपके नेगोशिएट करना है, चाहे वो राजस्थान हो, पौंडेचेरी हो, TN हो, आपकी रजामंदी से। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।